इस समय हम अहमदनगर के इस किले में खड़े हैं। सैयद अहमद निज़ाम शाह द्वारा 1490 में इस किले को स्थापित किया गया था, बनाया गया था। इसके अलावा इस किले के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो मूवमेंट था उसके बारे में पूरा जो उसको लिखा था उसी के तहत लिखा था। यहाँ पर आचार्य कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं को नज़रबंद करके रखा। लेकिन 1942 तक जब यहाँ पर उन्हें बंद करके रखा गया था, 1942 के बाद से 3.5 साल तक, उस दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा यहीं से मिली क्योंकि सारे नेता यहाँ नज़रबंद किए गए थे। उनके कमरे आसपास थे जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो फुटेज में, लेकिन वे आपस में मिलजुल सकते थे, बैडमिंटन खेल सकते थे और यहीं से इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। और यह पहला ऐसा किला है देश का जो जमीन पर बनाया गया था। जमीन पर किला बनाए जाने के बावजूद इस किले की विशेषता यह थी कि इसके आसपास चारों तरफ खंदक यानी कि गहरी खाई का निर्माण किया गया था। आगे और पीछे जाने के दो रास्ते थे और झूला पुल था और उस खंदक के अंदर कई सारे जानवर, जंगली जानवर, मगरमच्छ से लेके और भी कई जानवर जो पानी में रहते हैं वो उसमें छोड़ दिए जाते थे ताकि कोई दुश्मन उस पर आकर अंदर एंट्री नहीं कर सकता।
तो एक बड़ा महत्व है अहमदनगर के सैयद निजाम शाह के इस किले का, जो 1490 में यहाँ बनाया गया।